सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जानने के लिए। हेलो क्रिप्टोनेटर्स, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा TRX के बारे में और थोड़ा बहुत आपको मार्केट का अपडेट भी दे दूंगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी कोई वीडियो नहीं लाया था मैं। तो मैं BTC के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा, पूरी क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी बता दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स जैसे कि इथेरियम और TRX के बारे में बात करेंगे। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले तक क्या हुआ TRX में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों चीज़ों में क्योंकि अभी देखो मेरे को वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं फिर भी अपडेटेड था आप सभी के साथ ही। तो सबसे पहले तो मैं आपसे TRX के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं आपसे BTC के बारे में बात करूंगा। तो TRX इतना इंपॉर्टेंट इस समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ है। एक्चुअली में बिटमेक्स में TRX ने सबको लिक्विडेट किया। मैं आपको बताता हूँ, कितने भी शॉर्ट थे अगर उनकी क्रॉस पोजीशन खुली होती, क्रॉस पोजीशन यानी कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो पे नहीं, पूरे के पूरे अकाउंट पे लिक्विडेशन होती तो अभी उनका स्टॉप भी बहुत ज़्यादा स्लिपेज के साथ हिट हुआ होता या फिर बहुत ज़्यादा गंदी वाली लिक्विडेशन हमें देखने को मिली होती। तो वो ऐसा क्यों हुआ? अब मैं इसी चीज़ को अगर कंपेयर करूँगा TRX के ओरिजिनल चार्ट के साथ तो यहाँ पे इस तरीके का हमें कुछ नहीं देखने को मिला बल्कि यहाँ पे वो सिंपल सा अपने सपोर्ट से बाउंस किया और एक बहुत बड़ी विक भी बना चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट फ्लिप हुआ था उसके बाद यहाँ से बाउंस किया है। हमें यहाँ पे आराम से ये कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा लेकिन यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना नीचे था, 643 और यहाँ पे 600 से नीचे तो आया ही नहीं, 700 से नीचे सॉरी। यहाँ पे प्राइस कम चल रहा था और ओरिजिनल TRX का प्राइस ज़्यादा, तो जो डेरिवेटिव होता है उसका प्राइस ओरिजिनल TRX से होता है जो कि ये वाला TRX है। तो इस डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है जो कि जिसका प्राइस ओरिजिनल TRX से आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी। आप देख सकते हैं ये कैंडल कितनी, मतलब कितने 10% की कैंडल है और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए शॉर्टिंग की, तो ये जितने भी शॉर्ट्स थे अभी तक होल्ड थे और यहाँ पे पंप होके लिक्विडेट। तो अभी एक्चुअली में 100 मिलियन से कुछ ज़्यादा लिक्विडेशंस हमें देखने को मिली हैं शॉर्ट में, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 50% का यहाँ पे हमें प्राइस बाउंस देखने को मिला है। वो क्यों मिला है? वो यही रीज़न था क्योंकि हम 16% के डिस्काउंट पे शॉर्ट कर रहे थे, यानी कि आपको एक असली जगह पे आपको चीज़ मिल रही है 100 रुपये की, आपको असली जगह पे चीज़ मिल रही है 100 रुपये की लेकिन आप वो ही चीज़ को 84 रुपीज़ में बेच रहे हो। मतलब आप अगर बाज़ार से ब्रांड न्यू पेन लेने जाते हो तो वो आपको 100 रुपये का मिल रहा है लेकिन आप एक ब्रांड न्यू पेन को ही 84 रुपीज़ में बेच रहे हो, यानी कि 16% लॉस पे। तो यहाँ पे 16% का हमें वो देखने को मिल रहा था, डिस्काउंट देखने को मिल रहा था और लोग उसी 16% को शॉर्ट कर रहे थे, यानी कि 16% लेस प्राइस पे बेच रहे थे। अब समझ आई? हाँ, 16 की वो सोच रहे थे कि 16% लेस प्राइस है और उससे भी ज़्यादा नीचे गिरेगा और हम बाय करेंगे। तो इस तरीके से डेरिवेटिव्स काम करते हैं। तो 16% जब नीचे था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको पता है ये लेवरेज ट्रेडिंग या फिर मार्जिन ट्रेडिंग इस तरीके से वर्क करती है जिसके अंदर हमें यहाँ पे पैसा, हम मतलब सेल करके भी किसी चीज़ को, मतलब सेल शॉर्ट करके भी किसी चीज़ को पैसा कमा सकते हैं और बाय लॉन्ग करके भी किसी चीज़ को पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे सेल करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सेल किया और किसी ने बाय किया, अब अगर वो नीचे गिरा तो वो सेल वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जी नहीं। अगर इधर किसी ने सेल किया और दूसरे किसी ने बाय किया तो जो दूसरे जिसने सेल किया उसको लॉस होगा अगर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसको लॉस हुआ है, उसका क्या हुआ? यहाँ तो उसका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हुआ है या उसका सिर्फ और सिर्फ वो पोजीशन लिक्विडेट हुई है। तो हमें ये देखने को मिला है, ये आम होता है लेकिन इतना गंदा नहीं होता है किसी और मार्केट में, जैसे मैं बात करूँ स्टॉक्स या फॉरेक्स में, फॉरेक्स में भी होता है लेकिन इतना गंदा नहीं होता जितना गंदा हमें क्रिप्टो में देखने को मिलता है।
तो बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बिटमेक्स पे हुई है ये चीज़, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिया कीजिए क्योंकि वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। अभी यहाँ पे अगर बिटमेक्स पे जैसे रिपल का प्राइस पीछे जब रिपल पंप हुआ था तो उसमें कम था, लेकिन बाद में जब दोनों पंप हुए तो इकट्ठे उसने विक मारी थी बिटमैक्स पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें प्राइसेस को कंपेयर करने के बाद, उसको अच्छे से कंपैरिजन करने के बाद ही एनालाइज करके दोनों चार्ट्स को देख के, उसके बाद मैं भी इस पे शॉर्ट था, मैंने यहाँ पे अराउंड 670 के आसपास शॉर्ट खोला था और मैंने उसको जल्द ही क्लोज भी कर दिया था। मेरे को पता है कुछ लोगों ने बोला था कि ये 550 तक जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, और मैंने उसको इस वाली सपोर्ट पे, जो ये वाली सपोर्ट देख रहे हैं आप 630 के आसपास वाली, ये वाली इस सपोर्ट पे क्लोज कर दिया था। और इसका मेरे पास प्रूफ भी होगा बिटमैक्स गैम्बलर्स में, मैंने जिसमें बताया था कि मैंने अपना TRX का जो है शॉर्ट क्लोज कर दिया है, ये देख लीजिए। TRX शॉर्ट क्लोज एट 630, 100% कांट होल्ड इट एनी मोर। तो मैंने ये शॉर्ट क्लोज कर दिया है TRX का, और अब आप देख सकते हैं कहाँ पे चला गया है प्राइस। अब इसकी बात करें शॉर्ट खोलने की, तो मैं बिल्कुल भी इसको शॉर्ट नहीं करूँगा जब तक मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलती है BTC वाले चार्ट में, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना। अगर इस वाली सपोर्ट को तोड़ के इधर रेटेस्ट देखने को मिलता तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट तक का शॉर्ट करूँगा, और ये भी बीच में एक इक्वलाइज़र यानी कि सपोर्ट का काम करेगा, जो ये वाली एरिया जहाँ से पिछली बार पंप हुआ था और मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया था। और ये रहा TRX के बारे में सब कुछ जो मेरे को पता था, जितनी मेरी समझ थी, जितना मुझे पता था, जितना मैं आपको बता सकता था। अब मैं बात करूंगा BTC के बारे में, क्योंकि BTC पूरी मार्केट चलाता है। इस समय सिर्फ तीन अलग अलग कॉइन्स के चार्ट हमें USD में देखने को मिलेंगे, पहला है TRX, दूसरा है BTC इथीरियम, LTC नियो, ये सब सेम चार्ट्स हैं। BTC इथीरियम ये सब नए सेम चार्ट है, लेकिन XRP USD काफ़ी चेंज डिफरेंट है। तो मतलब तीन कॉइन्स हैं जिनका चार्ट अलग अलग आता है, लेकिन BTC के साथ सारे सेम होते हैं। तो बात करें BTC के बारे में, तो मैं BTC में एक लॉन्ग पोजीशन में था बिकॉज़ मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया जब एक सपोर्ट को काफ़ी बार टच किया जाता है या सपोर्ट को बार बार टेस्ट किया जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, वो सपोर्ट गिरने का चांस बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली में लॉन्ग ओपन किया था 3400 के आसपास, और मैं 3436 के आसपास निकल गया। उसका रीज़न ये था क्योंकि ये भी एक काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस हमें साथ ही में देखने को मिल रही है, 3500 to 3500। एक्चुअली मेरा टारगेट यही था, बट जिस तरीके से यहाँ पे पंप हमें देखने को मिला सेकंड वाला, उसके अंदर मेरे को शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में मुझे इतनी ज़्यादा वो देखने को नहीं मिली, स्टीम बाइंग पावर लोगों की नहीं देखने को मिली, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 3436 में क्लोज कर दिया। अब मैं आपसे अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाऊँ, तो हमें इस समय लॉन्ग टाइम फ्रेम में डेली के चार्ट में हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, और वो है दो ये, इसके बीच में अगर आप स्कैल्प्स कर सकते हो तो आप 1 और 4 और 15 मिनट के चार्ट को देख के कर सकते हो। 4 आवर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, 4 आवर पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये डायगोनल सपोर्ट्स बनाता है, फिर उनको तोड़ता चला जाता है। जैसी पहली डायगोनल सपोर्ट थी हमारी ये वाली, सीधा ब्रोक, दूसरी सीधा तोड़ दी, तीसरी सीधा तोड़ दी, अब इसने ये चौथी बनाई है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने का तो है ही नहीं, बट अभी इस समय कोई शॉर्ट भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये कितना अच्छा एरिया था शॉर्ट का, बट मैं आपको बताया जैसे कि मैं घर पे नहीं था, आपने तो मेरे पास इतने एक्सेसिबिलिटी नहीं थी इंटरनेट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब रेजिस्टेंस टाइप थी, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एक रेजिस्टेंस थी, इसने इसके ऊपर ये स्टॉप्स लिए, रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें दिखाया कि रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, और यहाँ से इसको नीचे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी जिसका स्टॉप आराम से 3500 के आसपास आता था, तो जिसने वो ओपन किया हुआ अभी उसको निकलने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टॉप को ट्रेल करता रहे, जैसे अब 3450 के आसपास, 3470 के आसपास स्टॉप्स लग सकता है। तो अभी हो सकता है ये ब्रोक करके वापस से इसके नीचे आए,
बट जब तक इस एरिया को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट है, तो मैं बिल्कुल भी शॉर्टिंग के बिल्कुल भी चक्कर में नहीं हूँ। ना हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज ये है सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, और ना हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक भी कभी भी हो सकती है, क्योंकि ये पीछे भी ऐसे ही चलता आ रहा है डायगोनल सपोर्ट्स बना बना के। तो मेरे हिसाब से अभी मेरे को यही दिख रहा है कुछ, और अगर ये नीचे भी टूटता है तो हमें एक डबल बॉटम का भी काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि डबल बॉटम ये नहीं होता कि मतलब 3200 है तो बिल्कुल मतलब 3200 से ही टच करके आना चाहिए, जी नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो 3200 है तो यहाँ से यहाँ हो जाए, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, मतलब 3000 to 2800 भी हो सकता है, क्योंकि डबल बॉटम हमेशा हमें हाई टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। तो जब भी हम देखेंगे डबल बॉटम को तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा जो कि चलता है। यहाँ पे एक और चीज़ बन सकती है, वो है एडम एंड ईव बॉटम, वो भी होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक वी करके होता है बॉटम लगा हुआ, और उसके बाद ही एक ऐसे राउंडेड शेप बॉटम आता है, तो उसको बोलते हैं एडम एंड ईव, एडम एंड ईव रिवर्सल सिग्नल। तो वो इस तरीके से वर्क करता है, यानी कि पहला ऐसा रहेगा और दूसरा यहाँ पे कंसोलिडेशन होती जाएगी, फिर एकदम बूम मारेगा तो कप एंड हैंडल बनाएगा आगे जाके, ये काफ़ी लंबा सीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर इस तरीके से वर्क करता है एडम एंड ईव, यहाँ से ऐसे बनेगा, उसके बाद एक कप एंड हैंडल बनेगा, फिर ब्रोक कर देगा सीधा ऊपर, और फिर 5700 इस तरीके से वर्क करता है एडम एंड ईव। एडम पहले बनता है, फिर ईव बनता है, उसके बाद वो ईव का कप एंड हैंडल बनता है और ब्रोक करता है। तो ये कुछ दो तीन एस्पेक्ट्स एज ऑन द बेस ऑफ पैटर्न एनालिसिस मैं कह रहा हूँ कि हो सकते हैं। डबल बॉटम, एडम एंड ईव, ये दो चीज़ें मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और साथ में मैंने अपने ट्विटर पे भी अपडेट किया था कि फॉलिंग वेज का भी एक सीन हमें देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल सपोर्ट पे है, फॉलिंग वेज बन रहा है। बट मैं मतलब कुछ भी मेरे को ऐसा दिखे जो मेरे एनालिसिस में बोलता है कि भाई ये नीचे भी गिर सकता है, तो मैं वहाँ पे अपना पैसा रिस्क नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा फॉलिंग वेज भी बन रहा है और डबल वो भी बन रहा है, सपोर्ट पे भी आ रहा है। मैंने ये काफ़ी ट्रेड किया, बट उसमें इस तरीके से पैटर्न हमें 4 hour या 6 hour के चार्ट पे नहीं देखने को मिलता था, जिसके अंदर इस तरीके से ये बार बार एक डायगोनल सपोर्ट बना के तोड़ता चला जाता है। अब ये फिर से वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए मैं अपनी लॉन्ग नहीं हूँ। BTC के ऊपर मेरे पास यही था कुछ, और इथेरियम की बात मैं कभी और करूंगा, वीडियो आ गई लंबी होगी, क्योंकि मैंने TRX का भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और BTC का भी समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश की है जो भी मेरे को पता था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि इसी से मैं अगली वीडियो लाने की भी सोचूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।